हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एनालिटिकल ट्रीटमेंट फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इससे पहले हमने देखा कि वेक्टर्स को हम कैसे ज्योमेट्रिकली ऐड करते हैं। तो वेक्टर्स को ज्योमेट्रिकली ऐड करने के लिए हमने देखा देयर इज अ रूल जिसको हम कहते हैं हेड टेल रूल। हेड टेल रूल, ये हेड टेल रूल क्या कहता है? देयर आर नंबर ऑफ वेक्टर्स, सपोज दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस वेक्टर सी, सपोज थ्री वेक्टर्स आर देयर और मोर देन थ्री वेक्टर्स विच आर टू बी एडेड। इनको एड करना, मान लीजिए इनको एड करना है, तो इनको एड करने के लिए हेड टेल रूल क्या कहता है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ वेक्टर ए, वेक्टर ए हम ड्रॉ करेंगे यहां पे। ये मैंने वेक्टर ए ड्रॉ किया यहां पे, ठीक है, ओके ओके, पार्लर टू इटसेल्फ एंड देन शिफ्ट द वेक्टर बी। अब इस वेक्टर बी को शिफ्ट करना है, इसकी टेल को वेक्टर ए के हेड के साथ मिलाना है, ये मिला दिया, ठीक है। अब मैंने वेक्टर बी को शिफ्ट किया एक जगह से दूसरी जगह, इस शिफ्ट को हम कहते हैं पर्ल शिफ्ट। इस पर्ल शिफ्ट में हम क्या करते हैं, जब हम एक वेक्टर को दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, मूव करते हैं, तो वी कीप वॉचिंग इन माइंड क्या इसकी लेंथ और इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, ये रोटेट नहीं करना चाहिए, इसकी लेंथ में चेंज नहीं आनी चाहिए। एज एस्केलेट यू, अगर ना इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी और ना ये रोटेट करेगा, यानी कि इसकी डायरेक्शन सेम रहेगी, देन द शिफ्ट इज कॉल्ड पर्ल शिफ्ट, ठीक है, एज इज क्लियर। तो वेक्टर सेम ही रहेगा, तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगी। तो इसी तरह से वेक्टर बी को हमने पर्ल शिफ्ट कर दिया और इसकी टेल को हमने वेक्टर ए के हेड के साथ मिला दिया। इसी तरह से वेक्टर सी को भी हम शिफ्ट करेंगे, उसकी टेल को हम मिलाएंगे विद द हेड ऑफ वेक्टर बी, ये मिला दिया, दिस वेक्टर सी हियर, ठीक है, ओके। अब इन तीनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो कौन रिप्रेजेंट करेगा? ए सिंगल वेक्टर। कहां से वो ड्रा करेंगे? फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। ये हमने एक सिंगल वेक्टर ड्रा किया फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। दिस सिंगल वेक्टर रिप्रेजेंट्स व्हाट? रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर सम, रिजल्टेंट ऑफ, इट रिप्रेजेंट्स द वेक्टर सम ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स। सो वी कैन राइट हियर, ये जो आर है इट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी। इज दिस क्लियर टू यू? तो ये रिप्रेजेंट करेगा रिजल्ट ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स। तो रिजल्ट मतलब इसकी लेंथ रिप्रेजेंट करेगी व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, और इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स, ओके। एंड फ्रॉम दिस, दिस इज व्हाट वी कॉल हेड टेल रूल, दिस इज अ जनरल रूल, इसकी मदद से हम बहुत सारे वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, ये एक जनरल रूल है। तो इस जनरल रूल की मदद से हमने डिफाइन किए है, वे हैव डिफाइंड टू लॉज। नंबर वन इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एंड द सेकंड लॉ हमने जो डिफाइन किया इसकी मदद से, दैट इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, ओके। ये जो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स है इट इज एप्लीकेबल फॉर द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, इसे हम खाली टू वेक्टर्स ऐड कर सकते हैं, इट इज मेंट ओनली फॉर द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अब अगर बहुत सारे वेक्टर्स ऐड करने होंगे तो वहां पे हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स यूज करते हैं, मोर देन टू वेक्टर्स, ओके। अब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स क्या कहता है? अगर एक ट्रायंगल है, इफ देयर इज अ ट्रायंगल ओ पी क्यू इज अ ट्रायंगल, इफ इट्स टू साइड्स
represents two vectors. मान लीजिए ओ पी रिप्रेजेंट करता है वेक्टर ए को कम्प्लीटली एंड पी क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर बी को कम्प्लीटली टेकन इन सेम ऑर्डर. सेम ऑर्डर में है टू वेक्टर्स आर सेट इन सेम ऑर्डर एज यू नो व्हेन टिप ऑफ वन वेक्टर कोइंसाइड्स विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर देन दीज टू वेक्टर्स आर सेट इन सेम ऑर्डर. यहाँ पे भी टिप एंड टेल कोइंसाइड हो रहे हैं तो देयरफॉर दीज टू वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर. इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल रिप्रेजेंट कम्प्लीटली टू वेक्टर्स कम्प्लीटली ठीक है ना टेक इन सेम ऑर्डर देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल. जो अब थर्ड साइड बच रहा है ये थर्ड साइड इन दोनों का रिजल्ट रिप्रेजेंट करेगा टेकन इन अपोजिट ऑर्डर. अब ये अपोजिट ऑर्डर में देना है. दिस इज द रिजल्टेंट. ये एरो हमने कंसिडर किया ठीक है ना. तो अब ये थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स. इज दिस क्लियर. दिस इज व्हाट वी कॉल द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एशिया. इज दिस क्लियर. इस तरह से पॉलीगोनल ऑफ वेक्टर्स जो हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया है इससे पहले देयर आर नंबर ऑफ वेक्टर्स टू बी एडेड ठीक है ना. देयर नंबर ऑफ वेक्टर्स आर देयर जिनको हमें ऐड करना है. बी रिप्रेजेंटेड कंप्लीट बाय नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगोन. यहां से नंबर ऑफ वेक्टर्स आर देयर. सपोज दिस वेक्टर ए दिस वेक्टर बी दिस वेक्टर सी दिस वेक्टर डी. बी रिप्रेजेंट कंप्लीट बाय नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन ठीक है टेकन इन सेम ऑर्डर देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीट बाय क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन ठीक है टेकन इन अपोजिट ऑर्डर. अब यहां से एक एरो ड्रॉ करेंगे या पॉलीगॉन बन गया. ये एरो मैंने ड्रॉ किया फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टिप ऑफ लास्ट वेक्टर. दिस विल रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ दिस वेक्टर. दिस इज व्हाट वी कॉल पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स. इज दिस क्लियर टू यू. तो इसी तरह से एक और रूल है टू वेक्टर्स को ऐड करने के लिए. एक तो रूल है हमारे पास हैटी रूल. तो दूसरा रूल है हमारे पास टू वेक्टर्स को ऐड करने के लिए उसको कहते हैं टेल रूल. दिस टेल रूल इज मेंट ओनली फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. ये याद रखना. खाली इससे हम दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं. हेड टेल रूल से इट्स अ जनरल रूल से हम दो वेक्टर्स भी ऐड कर सकते हैं थ्री वेक्टर्स भी मोर देन थ्री वेक्टर्स भी ऐड कर सकते हैं. ओके अब टेल रूल क्या कहता है. टेल रूल क्या कहता है. मान लीजिए देर आर टू वैक्टर्स दिस वैक्टर ए एंड अनदर वैक्टर इज देयर वैक्टर बी. अब इनको एड करना है. इज दिस क्लियर. तो यहां पे टेल रूल मेथड यूज करेंगे. टेल रूल यूज करेंगे हम. तो टेल रूल के हिसाब से अब हमें क्या करना है. वेक्टर बी पहले वेक्टर ए को ड्रा करेंगे. ये मैंने वेक्टर ए ड्रा कर दिया यहां पे. अब वेक्टर बी को शिफ्ट करना है ठीक है ताकि इसकी टेल को हम वेक्टर ए के टेल के साथ मिला सके ठीक है. तो दोनों की टेल को मिलाना है. ये मिला दिया हमने. दिस वेक्टर बी हियर दिस इज वेक्टर ए. अब दोनों वेक्टर्स की टेल हमने मिला दी. पहले हम एक के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल को मिलाते थे. एक वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल को मिलाते थे उसको क्या कहते हैं टेल रूल. मगर इस टेल रूल में हम क्या करते हैं दोनों वेक्टर्स की टेल मिलाते हैं. ये मिला दिया हमने. सो ए एंड बी आर कोइनिशियल वेक्टर्स. इनका इनिशियल पॉइंट सेम है कॉमन है तो इनको कहते हैं कोइनिशियल वेक्टर्स. इज दिस क्लियर. ओके अब हम क्या करेंगे कंप्लीट अ पैरेललोग्राम. ये हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया. ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द टिप ऑफ वेक्टर बी इक्वल एंड पैरेलल टू वेक्टर ए ठीक है. तो यहां से भी एक और लाइन ड्रॉ करेंगे इक्वल एंड पैरेलल टू वेक्टर बी. ये ड्रॉ किया ये बन गया पैरेललोग्राम ठीक है. अब इस पैरेललोग्राम के दो डायगोनल होते हैं. अब वो डायगोनल हम कंसिडर करेंगे जो हम ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द कोइनिशियल पॉइंट. अब जो कोइनिशियल पॉइंट है यहां से हम एक एरो ड्रॉ करेंगे एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे. ये हमने डायगोनल ड्रॉ किया. देन दिस डायगोनल रिप्रेजेंट्स द वेक्टर सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स यानी कि रिजल्टेंट. तब यही रिप्रेजेंट करते हैं रिजल्टेंट एंड दिस इज व्हाट वी कॉल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स. इज दिस क्लियर. सो इन दिस केस आर इज इक्वल टू ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स. तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स हमने डिफाइन किया किस रूल से.
टेल टेल रूल से हमने डिफाइन किया. इज दिस क्लियर? सो हेड टेल रूल से हम दो लॉज डिफाइन करते हैं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगोन ऑफ वेक्टर एडिशन. और टेल टेल रूल से हमने एक लॉ डिफाइन किया, उसको कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स. इज दिस क्लियर टू? सो व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स? इफ टू वेक्टर्स, इसको कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, लॉ ऑफ वेक्टर्स. ठीक है, इफ टू वेक्टर्स बी रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से हमने इनको ड्रा किया, then their resultant be completely represented by a diagonal drawn from the coincial point. This coincial point से हमने जो diagonal draw किया है यही represent करेगा what the resultant of these two vectors. This is what we call parallelogram law of vectors. ये भी हमने already discuss किया है detail में. Is this clear? But this parallelogram law of vectors यानी कि tail tail rule जो है it is meant only for the addition of two vectors. So now for the addition of two vectors there are two laws. One is triangle of vectors and second is parallelogram law of vectors. Okay, one is triangle law of vectors and second is parallelogram law of vectors. Triangle of vectors and parallelogram law of vectors. Is this clear? तो अब हम analytical treatment करेंगे दोनों का, triangle of vectors का भी और parallelogram law of vectors का भी. दोनों का हम क्या करेंगे? Analytical treatment. ठीक है, अब मान लीजिए एक point है, suppose a point is there. इस point पे दो vectors act करते हैं simultaneously. एक यहां से है, सपोज इस पॉइंट ओ पर दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं. दिस वेक्टर ए, एक पार्टिकल है यहां पे, तो दूसरा इस डायरेक्शन में दिस वेक्टर बी. टू वेक्टर्स आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ओ, ठीक है, एंड नाउ सपोज थेटा बी द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, थेटा बी द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स. इज दिस क्लियर? अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का रिजल्टेंट बताना है, इन दोनों का रिजल्टेंट, रिजल्ट का मेन अलग से बताना है, रिजल्ट की डायरेक्शन अलग से डिफाइन करनी है. ठीक है, ओके. उसके लिए हम क्या करेंगे, एनालिटिकल ट्रीटमेंट यहां पे करेंगे. पहले ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स ले लेंगे. ठीक है, अकाउंट ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स, मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, this is a triangle, O P Q is a triangle. If these two vectors, vector A and vector B, be completely represented by two sides of a triangle taken in same order, मान लीजिए O P represent करता है vector A को and P Q represent करता है vector B को, taken in same order. ठीक है, ये same order में है, then according to triangle of vectors their resultant is represented completely by third side of the triangle taken in opposite order. ये third side है, ये इनका resultant represent करेगा according to triangle of vectors. इस तरह से यहां पे parallelogram law of vectors में देखेंगे, हम यहां पे ले लेंगे एक parallelogram, draw a parallelogram, here is a parallelogram. O P Q S is a parallelogram. And now suppose O P Q S, this is a parallelogram. Okay. And now suppose two vectors, vector A and vector B, be completely represented by two adjacent sides of this parallelogram. O P represents vector A completely, and O S represents vector B completely. ओ पी रिप्रेजेंट करता है वेक्टर ए को कंप्लीटली एंड ओ एस रिप्रेजेंट करता है वेक्टर बी को कंप्लीटली. इज दिस क्लियर? कंप्लीटली मीन्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. इज दिस क्लियर? ओके. और इनके दरमियान जो एंगल है वो है थेटा, थेटा बी द एंगल बिटवीन देम. देन अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स,
द रिजल्ट ऑफ दीज टू वैक्टर्स इज रिप्रेजेंट बाई, कौन रिप्रेजेंट करेगा? डायग्राम। कहां से रिप्रेजेंट कर, कहां से ड्रा करेंगे? फ्रॉम द कॉन्शियल पॉइंट, यहां से ये हमने ड्रा कर दिया, और यही डायगनल, वरना दूसरा डायगनल भी है वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा रिजल्टेड। वो डायगनल जो हम कॉन्शियल पॉइंट से ड्रा करेंगे तो वही रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वैक्टर्स। इज दिस क्लियर? अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर्स। इज दिस क्लियर? ओके। अब एनालिटिकल ट्रीट में जो एनालिटिकल ट्रीटमेंट है उसमें हमें क्या करना है, मैं जो रिजल्टेंट उसका मैग्नीट्यूड अलग से डिफाइन करना है और उसकी डायरेक्शन अलग से डिफाइन करनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये ट्रायंगल सॉल्व करना पड़ेगा, यहां पे ये पैरेललोग्राम हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस साइड की लेंथ क्या होगी, ए एंड बी आर द गिवन वेक्टर्स। अब हमें ये थर्ड साइड जो है इसकी लेंथ बतानी है, वो हमें तब पता चलेगा जब हम ये ट्रायंगल सॉल्व करेंगे। अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता तो इजीली हम इसको सॉल्व कर पाते, मगर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इसको आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। कैसे? यहां से हम ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर क्यू एन ऑन ओपी प्रोड्यूस, पहले ओपी यहां से प्रोड्यूस करेंगे तो फिर क्यू एन यहां से एक परपेंडिकुलर आ गया, या हमने ड्रॉ किया ऑन द लाइन ओपी प्रोड्यूस्ड। ओके, ये प्रोड्यूस किया, फिर इसी पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे क्यू एन। अब ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, ओ एन क्यू इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब खाली एक ट्रायंगल इसमें राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, एक एक छोटा सा ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा एक फुल ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसी तरह से इस पैरेललोग्राम को सॉल्व करना है, तो पैरेललोग्राम को सॉल्व करने के लिए भी यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन द लाइन ओपी प्रोड्यूस, पहले ये प्रोड्यूस करेंगे आगे, फिर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसका नाम भी हम क्यों एंड रखेंगे। इज दिस क्लियर? अब जब हम ये राइट एंगल ट्रायंगल बड़ा ये छोटा जब हम ये सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर हमें इस आर का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, इसी तरह से यहां पे भी हम यही ट्रायंगल सॉल्व करेंगे, बड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल छोटा सा ट्रायंगल। ठीक है, तो वहां से भी हमें वैल्यू आर का निकलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। इज दिस क्लियर? तो कैसे करेंगे हम सॉल्व, जिस तरह से हम ये सॉल्व करेंगे उसी तरह से ये भी सॉल्व करना पड़ेगा, रिजल्ट सेम आएगा। एज इज क्लियर यू? मैं खाली एक के लिए दिखाऊंगा तो दूसरे के लिए वैसा ही होगा। ओके, नाउ इन दिस ट्रायंगल इन द लेफ्ट फर्स्ट कंसिडर द राइट ट्रायंगल पी क्यू एन, इन राइट ट्रायंगल पी क्यू एन, पी एन क्यू इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, in this right angle triangle there are three sides pn and nq, p third side is pq, pq hame pata hai it is equal to b, na hame pn pata hai na hame nq pata hai, pehle pn malum karna padega aur nq bhi malum karna padega। okay, what is the angle between two vectors a and b, theta, jo humne pehle assume kiya theta is the angle between two vectors, so this is here angle theta between two vectors, vector A and vector B. Okay, and now consider this right angle triangle. In this right angle triangle, okay, sine theta kiske barabar hai, trigonometrical ratio sine theta is equal to sum people have perpendicular Q and divided by hypotenuse P Q. Okay, cross multiply karenge, what will you get? We will get Q n is equal to P Q sine of theta. Okay, Q n खाली length linear direction हम यहाँ पे नहीं consider कर रहे हैं। ठीक है, this is trigonometrical ratio. Trigonometrical ratio is a ratio of sides of a right triangle. ठीक है, okay, Q n यहाँ पे हम vectors नहीं लेते, Q n is equal to P Q sine theta. Okay, तो Q n निकला किसके बराबर, Q n is equal to, so P Q we already know it is equal to B, खाली वेक्टर B का मैग्नीट्यूड लेना है, B sin of theta, ये B हम इस साइड लिखेंगे। ठीक है, ओके, दिस इज B sin theta, तो ये साइड निकला हमें B sin theta के बराबर। इज दिस क्लियर? कीप इट नंबर वन। इसी तरह से अगेन cosine of theta किसके बराबर है,
कर्ली ब्लैक विद बेस, दैट इज बेस इज पी एफ, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज पी क्यू, पी क्यू. ओके नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट पी एन इज इक्वल टू पी क्यू कॉस ऑफ थीटा. ओके पी क्यू हमें पता है इट इज इक्वल टू बी, तो पी एन के बदले हम लिखेंगे यहां पे बी कॉस ऑफ थीटा. ओके तो ये साइड भी हमें पता चला एंड दिस इज इक्वल टू बी टाइम्स कॉस ऑफ थीटा. पी एन भी अब हमारे पास है, पी एन का वैल्यू क्या है दैट इज बी कॉस थीटा, एंड क्यू का वैल्यू भी हमें पता है इट इज इक्वल टू बी साइन थीटा. एंड नाउ वी नो ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पी एन क्यू. इसी तरह से अब पैरेललोग्राम भी हम सॉल्व कर सकते हैं, पैरेललोग्राम का ये ट्रायंगल सॉल्व कर सकते हैं. एज यू नो दैट ओ पी क्यू एस इज अ पैरेललोग्राम, इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो बराबर होते हैं, पैरेलल भी होते हैं. ठीक है तो इसका मतलब ये हुआ ओ एस पी क्यू के बराबर होगा लेंथ में और ये पैरेलल भी है. ओ एस रिप्रेजेंट करता है वेक्टर, अगर हम पी क्यू को भी एक वेक्टर ले लेंगे, मान लीजिए ये भी एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, तब वो दोनों वेक्टर बराबर होंगे क्योंकि पैरेललोग्राम के दो अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं. अगर एक साइड रिप्रेजेंट करता है एक वेक्टर को तो दूसरा साइड पी क्यू भी उसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये भी वेक्टर बी के बराबर होगा, तो पी क्यू भी वेक्टर बी को ही रिप्रेजेंट करेगा. इज दिस क्लियर? अब इसी तरह से ये ट्रायंगल भी हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है जब हम ये ट्रायंगल सॉल्व करेंगे तो ये बेस यहां से आएगी, वो होगी हियर द थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, दिस इज हियर थीटा, थीटा इज द एंगल, तो यहां से निकलेगा यही वैल्यू बी कॉस ऑफ थीटा, तो ये साइड आएगा इस तरह से बी साइन ऑफ थीटा. इज दिस क्लियर? ओके इसी तरह से सिमिलरली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू. ओके इस तरह से ये भी सॉल्व कर सकते हैं. और इसके बाद अब ले लेंगे ये बड़ा सा ट्रायंगल ओ क्यू एन, यहां से भी एक बड़ा सा ट्रायंगल ओ क्यू एन. इज दिस क्लियर? बड़ा ट्रायंगल यहां से भी ले सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं. नाउ इन राइट ट्रायंगल ओ एन क्यू, ओ एन क्यू एक बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया हमने, यहां से भी ओ एन क्यू बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, दोनों में सेम है. तो इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम. सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा बेस स्क्वायर, बेस इज ओ एन स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर एन क्यू स्क्वायर, एन क्यू स्क्वायर. यहां भी इसी तरह से ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर, देयर इज नो डिफरेंस. ठीक है ओके इस तरह से लिख सकते हैं. वर्ड्स ओ क्यू यहां पर खाली मैन टू लेना है, इट इज रिलेशन बिटवीन द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. इज दिस क्लियर? खाली लेंथ्स लेनी, यहां पे कोई डायरेक्शन नहीं. तो यहां पे व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस साइड ओ क्यू, इट इज इट रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड आर, द लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड आर, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर. इज दिस क्लियर? ओके सो यहां पे आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल व्हाट इज ओ एन, ओ एन इज ओ पी प्लस पी एन, हम देख सकते हैं यहां पे ओ एन प्लस पी एन होल स्क्वायर प्लस इस तरह से एन क्यू, व्हाट इज एन क्यू, ये निकल इसका वैल्यू निकला, अब बाद में इसका वैल्यू देंगे, अभी पहले एन क्यू इसी तरह से रखेंगे हम एन क्यू स्क्वायर. अब यहां पे लिख सकते हैं हम आर स्क्वायर इज इक्वल ओ एन के बदले इट्स ए, तो आएगा यहां पे ए स्क्वायर ए प्लस सॉरी व्हाट इज पी एन, पी एन तो अभी निकाला हमने इट इज बी कॉस थीटा, बी कॉस ऑफ थीटा होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज एन क्यू, एन क्यू इज बी साइन थीटा, यहां पे ये बनेगा b टाइम्स साइन ऑफ थीटा होल स्क्वायर. इज दिस क्लियर? अब इसको यहां पे फिर से लिख सकते हैं, इट विल बिकम
आर स्क्वायर, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं अब, दिस ए प्लस बी होल स्क्वायर, इट बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और स्क्वायर थेटा प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थेटा प्लस फिर वहां से बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थेटा, इज दिस क्लियर? ओके, यहां पे देखिए इन दो में बी इसमें भी है इसमें भी है, दिस ये कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन, देयर रिमेन्स इनसाइड साइन स्क्वायर थेटा प्लस कॉस स्क्वायर थेटा प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थेटा, दिस बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थेटा प्लस कॉस स्क्वायर थेटा इज इक्वल टू वन, तो यहां पे आएगा ये प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थेटा, इज दिस क्लियर? दिस इज ऑल स्क्वायर, तो ये प्लस रिजल्टेंट स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट, अब स्क्वायर रूट दोनों साइड अप्लाई करेंगे सो वी विल गेट आर इज इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थेटा, जब स्क्वायर रूट बोथ साइड अप्लाई करेंगे तो यहां स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहां से स्क्वायर रूट यहां रहेगा, पर यहां पे आएगा प्लस माइनस, मगर बट वी आर डीलिंग विद ओनली व्हाट मैग्नीट्यूड, जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं उस वक्त खाली पॉजिटिव साइन लेनी चाहिए, ठीक है ना, यहां पे हमें खाली मैग्नीट्यूड बताना है क्या है, तो उस वक्त हम खाली, वरना प्लस माइनस आ जाता है, यहां पे दो वैल्यूज आ गए पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर यहां पे मैग्नीट्यूड खाली चाहिए, जब हम मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं वहां पे हम खाली पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, ठीक है ना, सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा, इज दिस क्लियर? सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर व्हाट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, इज दिस क्लियर टू यू? तो रिजल्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्ट किसके बराबर होगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थेटा, व्हाट इज थेटा? थेटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वैक्टर्स, सो इट मीन्स दैट इफ यू नो टू वैक्टर्स, इफ टू वैक्टर्स आर गिवन एंड इफ यू नो ऑल्सो द एंगल बिटवीन दैम, यू कैन डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्ट विद हेल्प ऑफ दिस रिलेशन, इस रिलेशन से आप उसका मैग्नीट्यूड बता सकते हो, रिजल्ट का मैग्नीट्यूड वो किसके बराबर होगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थेटा, ए का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, बी का वैल्यू यहाँ पे, थेटा का वैल्यू पुट करना है, फिर सिम्प्लीफाई करना है, यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्ट, ठीक है ना, विदाउट यूजिंग व्हाट ज्योमेट्री, अब ज्योमेट्री यहाँ पे यूज नहीं करनी है, ज्योमेट्री के लिए अब नहीं दिखाना है, अब डायरेक्टली हम इस रिलेशन से हम रिजल्ट का मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, दिस इज क्लियर? इफ यू नो वेक्टर ए वेक्टर बी एंड द एंगल बिटवीन देम, ठीक है ना, ये चीजें पता होनी चाहिए, दिस इज क्लियर? अब इसी तरह से डायरेक्शन भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमने इसको एनालाइज किया, मैग्नीट्यूड के लिए अलग रिलेशन डिफाइन कर दी, तो इसी तरह से डायरेक्शन के लिए अब है डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट आर, यहां पे हमने जो रिलेशन डिराइव किया है इट इज फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, अब है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर, अब इसकी डायरेक्शन कैसे, अगेन कंसिडर दिस ट्राइंगल, दिस मेन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल हम कंसिडर करेंगे, सपोज दिस रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल अल्फा विद द गिवन वेक्टर ए, ये ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, अगर ए वेक्टर की डायरेक्शन आपको पता है, अगर फिर अल्फा का वैल्यू आपको पता चलेगा तो आप बता सकते हो आर की डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज दिस रिजल्टेंट, इट इज एन एंगल विच दिस रिजल्ट मेक्स विद द गिवन वेक्टर ए, ठीक है ना, अगर अल्फा का वैल्यू पता चल गया तो आप आर की डायरेक्शन बता सकते हो, इज दिस क्लियर टू यू? तो अल्फा रिप्रेजेंट्स द, अल्फा डिफाइन इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट द रिजल्टेंट, तो ये अल्फा किसके बराबर होगा, अब इसके लिए रिलेशन डिराइव करेंगे, कंसिडर दिस राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन क्यू इन राइट ट्राइंगल ओ एन क्यू, अगेन टेंजेंट ऑफ अल्फा किसके बराबर है, टू प्रेजेंट बेसिंग परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, वॉट इज बेस, बेस इज ओ एन, ओके इसको हम लिख सकते हैं कि ओ एन इसी तरह से, वॉट इज ओ एन, ओ एन के बदले लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी एन, ओ एन ओ पी प्लस पी एन, ठीक है, ओके पुट फॉर क्यू एन, वॉट इज क्यू एन, क्यू एन इट इज बी साइन थेटा जो हमने पहले निकाला है,
b sin of theta डिवाइड बाई व्हाट इज ओपी, ओपी इज ए खाली यहां पे मैग्नीट्यूड लिखना है प्लस पी एन व्हाट इज पी एन जो हमने पहले निकाला दैट इज बी साइन ऑफ थीटा एज इज क्लियर दिस इज टेंजेंट ऑफ अल्फा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर आपके पास तीन चीजें होंगी नंबर वन थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर बी ठीक है ना इसको सिंप्लीफाई करने पर यहां पे साइन थीटा नहीं है इट इज कॉस ऑफ थीटा ओके ओके। अगर ए आपको पता है बी पता है थीटा पता है ये सिंप्लीफाई करने पर यू विल गेट द एंगल अल्फा ठीक है ना इज इज क्लियर यू देन दिस अल्फा विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट विद रेस्पेक्ट टू व्हाट विद रेस्पेक्ट टू गिवन वेक्टर ए इज इज क्लियर ओके। सो दिस डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट एंड दिस डिफाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज इज क्लियर ये हमने डिस्कस किया। अब कुछ स्पेशल केसेस हम डिस्कस करेंगे यहां पे। अब जब भी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी जहां पे रिजल्टेंट हमें मतलूब होगा तो हम ये रिलेशंस वहां पे यूज कर सकते हैं। अब हमने देखा अगर एक पार्टिकल है इस पर दो वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी और उनके दरमियान अगर एंगल थीटा है ठीक है ना इन दोनों का रिजल्टेंट हम मेजर कर सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन सेपरेटली मेजर कर सकते हैं विद द पॉपुलेशंस तब हमारे पास दो रिलेशंस हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू व्हाट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कोसाइन ऑफ थीटा एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट is defined by the relation tangent of alpha equal b of sin theta divided by a plus b of cosine of theta. Is this clear? These are the two relations which we can use to calculate the magnitude of the resultant and direction of the resultant of two vectors. अगर दो वेक्टर्स किसी पार्टिकल पर एक्ट कर रहे हैं उनके दरमियान आपका क्या वो कुछ एंगल होगा वो भी पता होगा वो वेक्टर्स क्या है वो भी पता होगा तब हम उन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ दीज टू रिलेशंस ठीक है। अब कुछ स्पेशल केस नंबर वन अगर एक पार्टिकल है उस पर दो वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी और दोनों की डायरेक्शन सेम है मीन्स इफ थीटा इज जीरो उस वक्त दोनों वेक्टर्स के दरमियान क्या एंगल होगा जीरो एंगल इज दिस क्लियर इफ थीटा इज जीरो मीन्स टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन मीन्स ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन इज दिस क्लियर अंडर दिस कंडीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट किसके बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ यहां पे जीरो आएगा थीटा के बदले जीरो एंड कॉस जीरो इज वन इज दिस क्लियर ये बनेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी एंड ये फॉर्मूला बनेगी वो किसके बराबर होगी ए प्लस बी होल स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल resultant is equal to a plus b so it means that if two vectors are acting in same direction then the magnitude of their resultant is equal to the sum of their magnitudes equal to what sum of their magnitudes and now what about the direction of the resultant is defined by this relation tangent of alpha b sin of theta theta is 0 divided by a plus b cos of theta theta is 0 b sin 0 is 0 this becomes divided by a plus b cos 0 is 1 upper 0 aayega niche a plus b to ye 0 ke hi barabar hoga so it means that tangent of alpha is 0 this implies that alpha is 0 theek hai
टेंजेंट अल्फा जीरो कब होगा, जब अल्फा जीरो होगा, टेन जीरो इज जीरो, इज दिस क्लियर? ओके, सो इट मीन्स दैट अल्फा इज जीरो, सो इट मीन्स दैट जो रिजल्टेंट होगा वो गिवन वेक्टर ए के साथ जीरो एंगल बनाएगा. तो इसका मतलब ये हुआ जो रिजल्टेंट होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा. इज दिस क्लियर? यहां पे लिखेंगे द रिजल्टेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वुड बी इक्वल सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड एक्टिंग एंड द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर्स, और उसकी डायरेक्शन वही होगी जो गिवन वेक्टर्स की डायरेक्शन होगी. इज दिस क्लियर? ओके, ये हुआ केस नंबर वन. अब सेकंड स्पेशल केस हम डिस्कस करेंगे. तो याद रखना, जब दो वेक्टर्स की सेम डायरेक्शन होगी उस वक्त जरूरत नहीं है ये फॉर्मूला यूज करना, उस वक्त हम डायरेक्टली मैग्नीट्यूड मेजर कर सकते हैं. वो किसके बराबर होगा? सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ गिवन वेक्टर्स इफ द टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, उस वक्त एड उनका मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा. ठीक है, और डायरेक्शन होगी सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर्स. इज दिस क्लियर? अदर सेकंड केस, इफ थीटा इज 180, मीन्स इफ टू वैक्टर्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. यहाँ पे पार्टिकल है, एक डायरेक्ट फोर्स यहां से, मान लीजिए एक वैक्टर यहां से एक्ट कर रहा है, दूसरा वैक्टर यहां से एक्ट कर रहा है, एंगल बिटवीन देम इज 180. तो अपोजिट डायरेक्शन है, मीन्स ए एंड बी आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. ओके, if they are acting in opposite directions then the magnitude of their resultant kiske barabar hoga? Under root of a square plus b square plus twice ab cos of 180. cos of 0 is 1 and cos of 180 is minus 1. to yahan pe bane gaya under root of a square plus b square minus twice ab. यहां से माइनस वन आएगा, माइनस प्लस माइनस बनेगा, माइनस के माइनस टाइम्स टू वाइस ए भी आएगा यहाँ पे. इज दिस क्लियर? तो फिर से यहाँ पे एक और फॉर्मूला बनेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू वाइस ए भी इट इज इक्वल ए माइनस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसल्स, सो आर इज इक्वल ए माइनस बी. इज दिस क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ? इफ टू वैक्टर्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन ए पार्टिकल देन the magnitude of their resultant is equal to the difference of their magnitudes, is equal to difference of their magnitudes. Is this clear? इसी तरह से आप direction देखेंगे, is defined by tangent of alpha, वो किसके बराबर होगी? b sine of theta, theta के बदले 180 डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस ऑफ 180, बी साइन ऑफ 180 इज जीरो, डिवाइड बाय ए यहां पे आएगा कॉस ऑफ 180 इज माइनस वन, ये बनेगा माइनस बी, ऊपर से जीरो डिवाइड बाय ए माइनस बी, ये भी जीरो के बराबर है टेंजेंट ऑफ अल्फा. सो इन दिस केस अल्फा इज जीरो, और यह हो सकता है 180. ठीक है ना, डिपेंड करेगा whether a is greater than b or b is greater than a. is this clear? या जीरो हो सकता है या 180 हो सकता है, means is acting in the direction of bigger vector. जिस direction में bigger vector होगा वही direction होगी resultant की. कैसे? अब मान लीजिए ये दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. वेक्टर ए मान लीजिए बड़ा है, पहले वेक्टर ए बड़ा ले लेंगे. अब इनको वेक्टर, दो वेक्टर्स को ऐड करना है, कैसे? ज्योमेट्रिकली हेड टेल मेथड यूज करेंगे. ठीक है, चलिए पहले वेक्टर ए ड्रा करेंगे. ये मैंने वेक्टर ए ड्रा कर दिया, दिस वेक्टर ए. अब वेक्टर बी की जो टेल है वो ए के टिप के साथ मिलानी है, यहां से ये मिला दी, ये इससे छोटा है तो यहां तक आ जाएगा ये, मान लीजिए ये यहां से है. इज दिस क्लियर? दिस वेक्टर ए, दिस वेक्टर बी. अब रिजल्ट कहां से ड्रा करना है? फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टिप ऑफ लास्ट वेक्टर. यहां से टेल है, यहां से ड्रा करना है एरो फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टिप ऑफ सेकंड वेक्टर. ये किया, दिस रिप्रेजेंट रिजल्टेंट. ओके, दिस रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर.
अब इसकी डायरेक्शन क्या है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ए की डायरेक्शन क्या है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बी की डायरेक्शन क्या है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अपोजिट, अब रिजल्ट की डायरेक्शन क्या आ गई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इन केस इफ ए इज बिगर तब रिजल्ट की डायरेक्शन ए की डायरेक्शन होगी, एज ए स्क्वायर, अब अगर उल्टा होगा ए छोटा होगा, अगर ए छोटा है इतना छोटा है बी बड़ा है, पहले ए ड्रा करेंगे, ये मैंने ड्रा किया दिस लेटर ए, अब बी को बी की टेल को मिलाना है ए के टिप के साथ, ये मिला दिया, अब जो वेक्टर बी है ये बड़ा है ये यहां तक आ जाएगा, एज इज क्लियर, अब रिजल्टेड कहां से ड्रा करना है फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टिप ऑफ सेकंड वेक्टर, इस तरह से आएगा, दिस इज द रिजल्टेड, एज इज क्लियर, अब रिजल्ट की डायरेक्शन क्या है सेम एज दैट ऑफ बी, बी की डायरेक्शन यहां पे है क्यों बी ज्यादा बड़ा है, यहां पे ए की डायरेक्शन क्यों ए बड़ा है, इसलिए मैंने लिखा इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ बिगर वेक्टर, इज दिस क्लियर इन दिस केस, दिस इज सेकंड केस, इस तरह से थर्ड केस भी है, थर्ड केस इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, इफ दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मीन्स थीटा इज 90 देन रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, एक वेक्टर यहां से है वेक्टर ए और वेक्टर बी यहां से है, बोथ आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल साइमल्टेनियसली, एंगल बिटवीन देम इज 90, एज इज क्लियर, तो रिजल्टेंट किसके बराबर होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ यहां पे आएगा 90, ठीक है, व्हाट इज कॉस ऑफ 90 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, कॉस ऑफ 90 क्या है, क्या है कॉस ऑफ 90, कॉस ऑफ 90 इज 0, कॉस ऑफ 0 इज 1, कॉस ऑफ 90 इज 0, कॉस ऑफ 0 इज 1 एंड कॉस ऑफ 90 इज 0, तो ये बनेगा 0, तो ये थर्ड टर्म भी 0 बनेगी, तो वहां रहेगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इज दिस क्लियर, सो इफ टू वैक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्ट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, इज दिस क्लियर, स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, इज दिस क्लियर, ओके, एंड डायरेक्शन क्या होगी इज डिफाइंड बाय दिस टैंजेंट ऑफ अल्फा बी साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा, व्हाट इज थीटा, थीटा इज 90, तो साइन 90 आएगा यहां पे आएगा कॉस 90, इज दिस क्लियर, ये बनेगा व्हाट इज साइन 90, साइन 90 इज 1, तो ये बनेगा बी डिवाइड बाय ए प्लस कॉस 90 0, ये सारा 0 बनेगा, यहां से आएगा बी डिवाइड बाय ए इन दैट केस, एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय टेंजेंट अल्फा एंड इज इक्वल टू बी बाय ए, बी बाय ए के बराबर है, एंड वी कैन राइट अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स बी बाय ए, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्ट इन केस द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दिस इज क्लियर टू यू, तो आज ये हमने कंप्लीट कर दिया इसके एडिशन ऑफ वेक्टर्स, उसके लिए रिलेशन हमने मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट के लिए रिलेशन हमने डिराइव की है, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट के लिए भी रिलेशन डिराइव की है, फिर हमने स्पेशल केसेस भी डिस्कस किए हैं, ठीक है ना, ये रिलेशन हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मीटिंग होगी तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं दिखा दूंगा किस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं, टिल देन गुड बाय।